नमस्ते बच्चों, आज भी स्वस्थ जीवन के ऊपर एक कहानी आपको सुनाऊंगा। मोना और सोना दो बहनें थीं, लेकिन दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। मोना जो थी उसको अपने घर में बैठ करके टीवी देखना और मोबाइल पे कुछ खेलना, यही अच्छा लगता था। और सोना जो थी उसको बाहर सभी सहेलियों के साथ खेलना, गली में घूमना, सभी के साथ ग्राउंड पे जाना, कुछ फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, ऐसा कुछ खेलना, तो ऐसा कुछ कुछ ना कुछ उसको याद अच्छा लगता। तो हुआ क्या कि मोना जो थी वो घर पे बैठी रहती थी और कुछ करती नहीं थी, सिर्फ टीवी देखो और मोबाइल पे खेलो कुछ ना कुछ। तो वो हो गई बीमार और वो होने लगी मोटी थुल थुल, क्योंकि खाना पीना और बैठे रहना और कुछ करना ही नहीं। और सोना जो थी वो हर रोज बाहर खेलती थी, तो बाहर खेलती थी तो उसको शरीर को व्यायाम मिलता था, कसरत होती थी उसकी, तो उसका शरीर अच्छा रहा और उसको बीमारी नहीं आई। मोना को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा मोना देखो, तुम जो है वो घर पे ही बैठी रहती हो, उसकी वजह से ये बीमारी आती है, तुमको बाहर जाकर के खेलना भी पड़ेगा, सिर्फ बैठे रहोगे तो शरीर क्या करेगा, शरीर तो बीमारी होगा, आपकी आंखें खराब होगी, शरीर मोटा होगा, और मोटापा आता है तो बीमारी बढ़ती ही है, तो इसलिए आपको बाहर जाकर के भी खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, हंसना चाहिए, मज़े करना चाहिए, तभी तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा। आपको भी माँ बाप ऐसा ही कहते हैं ना, पिताजी आपके, कि बेटा खेलने जाओ, बाहर खेलो कुछ। एक घर के अंदर ऐसा ही था, एक दादाजी थे, उम्र तो बड़ी थी लेकिन बड़े चुस्त और फुर्त थे, और उनका पोता, तो पोता ऐसा ही था कि घर पे बैठे रहो, मोबाइल पे खेलो, टीवी देखते रहो, कंप्यूटर पे बैठो, और खाने पे क्या, वही पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, या तो अपने ये चलती हो तो भेल खाओ, या तो तुम्हारी दाबेली खाओ, तो ऐसी सारी चीज़ें आप खाते रहोगे और बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं तो क्या होगा, बीमार पड़ना ही है आपको। तो पोता दादाजी को कहता कि दादाजी आप कैसे इतने चुस्त और फुर्त रहते हो, तो दादाजी ने ही कहा कि बेटा मैं कितना सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, उठता हूँ मैं, व्यायाम करता हूँ घर पे, कसरत करता हूँ ना, एक्सरसाइज करता हूँ, देखते हो तुम, बाद में बाहर जा कर के मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, गार्डन में मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लाफिंग क्लब में जाता हूँ, तो उससे मेरा शरीर चुस्त रहता है, तो तुम्हें भी यही करना पड़ेगा, और खाने पीने में भी सभी चीज़ें खानी है, जिससे जो कुछ भी अच्छा अच्छा मिलता है वो सारी चीज़ें आप खाओगे तो आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो बढ़ेगी। ये कोरोना में अभी सब लोग यही कह रहे हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी खराब हो गई है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो बच्चों आप ये याद रखना, खूब अच्छा खाओ और खेलो, उससे ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और शरीर सुपूर्ति रहेगी आपकी, है कि नहीं, करोगे ना आप इतना। धन्यवाद।